ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे वाह बाबा वाह, बस ठीक है, इसी को फाइनल कर लेती हूँ और बता देती कि बाबा बस अब मेरे को शादी करनी है तो इसी से ही करनी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि जाके पहले अदा साईं को बताती हूँ, लेकिन अदा साईं को बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है, जानी को बताती हूँ, लेकिन जानी से पहले बाबा बाबा साईं को तो बता दो वरना गुस्सा करेगा। हेलो। हेलो बाबा साईं, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैंने ना शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया बाबा। अरे बाबा, लड़का लड़का लड़का, तेरे को लड़के के अलावा कोई और बात आती नहीं है क्या? अभी फोन रखो, मैं किसी के साथ हूँ। हाँ घड़ी, मेरी बात तो सुने, बोले मेरे फोन ही बंद कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, जब दिल करता है खुद मुंह उठा के हमारे घर में आ जाते हैं। और अब मेरी शादी के बाद ही तो भला कोई भी मेरी बात सुनता ही नहीं, सब भाग जाते हैं। ये तो नया बना है। हाँ बाबा, ये सारा अभी काम चल रहा है ना, अभी चल रहा है बस। मैं जरा एक फोन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाई नॉट, कॉल लगो। करते रहो फोन, अब तुम मेरे को वापस आई, अब मैं भी फोन नहीं उठाऊंगी तुम्हारा, समझे तुम? काटो। ओहो। हल्ले ताने, मैं उठाती हूँ अभी फोन। तेरे तो फोन ही काट दिया मेरा बाबा। तुम्हारा फोन काट दिया? बस देखो यार। अरे भाई अल्लाह साईं, मेरी शादी करा दे परवरदिगार, करा दे ला, करा दे अच्छी जगह करा दे। बच्चू, रात मैंने ना पापा को ख्वाब में देखा। अरे अल्लाह पाक बाबा आपको सबर दे इतना भयानक ख्वाब देखने पर। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं पापा की बात कर रही हूँ, बाबा साईं की नहीं। देखो बाबा, तमीज से बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और आप मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोले? आजा बाबा आजा, माफ कर दो बाबा, गलती हो गई, वो तो हर वक्त जहाँ पड़े रहेंगे तो ख्वाबों में तो आएंगे ना। अच्छा, अगर मेरे पापा हर वक्त यहीं पड़े रहते हैं तो आपके बाबा साईं की भी ताल यहीं गिरती है, वो भी तो यहीं पड़े रहते हैं। हाँ बाबा, कहती तो तुम ठीक हो जी। और पिछले कुछ दिनों से तो आपके बाबा साईं ने मेरे पापा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बच्चों, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये आपका घर है या उनका। अरे नहीं बाबा, क्या बात करती हो सीमा, आप शायद भूल गई हैं, शादी से पहले अपनी गांव की जमीनें बेचकर मैंने आपके और अपने लिए घर खरीदा था बाबा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन जिस धड़ल्ले से बाबा साहब यहाँ आते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारा नहीं उनका घर है और हम उनके एहसान तले रह रहे हैं। आजा बाबा, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, पापा वो आएंगे ना तो मैं उनसे बात कर लूंगा। आएंगे? बच्चों ये बात तो फोन पे भी हो सकती है। अरे बाबा, फोन पर गुस्सा आ गया उन्हें तो क्या होगा। यही मसला है, आप मुझे बच्चू कम और बच्चे ज्यादा लगते हैं, बाबा साईं की गोद से निकलते ही नहीं। अच्छा बाबा बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। क्या हो गया, आज बात बात पर गुस्सा हो रहा है? लगता है भाभी से झगड़ा हुआ है। झगड़ा? अबे झगड़ा तो बराबर वालों से होता है। अरे बाबा बोल लिया बस। अरे बाबा शक्ल अच्छी नहीं है तो एक्टिंग तो अच्छी कर लिया करो, या तू दिल पे लेकर बैठा है? अरे बाबा अभी मत छेड़ो मुझको बाबा। अब बता भी दे हुआ क्या है। अरे बाबा मसला ये है कि मेरी बीवी को ना मेरे बाबा साई का आना अच्छा नहीं लगता है। तुझे उसके अब्बा के आने से मसला होता है? नहीं। हाँ बाबा होता तो है, लेकिन बाबा उसके अब्बा तो हर वक्त यहीं पड़े रहते ना बाबा, वापस जाते ही नहीं है। बुरा ना मानियो बच्चू, भाभी के अब्बा से ज्यादा तेरे अब्बा को हमने पड़े हुए देखा है, मेरा मतलब आते हुए देखा है।
ऐसा ना बोल यार, हो सकता है इनके पास रहने के लिए गांव में घर ना हो। अरे बाबा क्या बात करता है बाबा, गांव में हमारी जमीनें हैं, हवेली है और ताके हैं बाबा, जानवर भी हैं बाबा। अरे माफ कर दो यार, गलती से मुंह से निकल गया। बाबा निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों की जान निकाल दूं। निकलो बाबा निकलो। चलो बाबा तुम भी जाओ, क्यों खड़ा है हमारे सर पे। जी 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 सर, जी सर। सर हमारा दूध तो नंबर वन क्वालिटी पे है। हाँ मैं तो कहता हूँ डब्बे की भी जरूरत नहीं हमारे दूध को तो। हाँ एक मिनट सर, फोन आया जरा। मैं हाय मौलादाद साहब, दुनिया में अगर टॉप 10 5 लोगों का मुकाबला किया जाए ना, सेकंड नंबर पे आने से कोई नहीं रोक सकता इनको। बाद में बात करता हूँ। फोन ही नहीं उठा रहे बाबा। उनको बताना था कि वो खास मेहमान आ रहा है मेरे साथ। चलो तो जा ही रहे हैं उस तरफ, अच्छा है। लेकिन फोन तो बाबा उठानी चाहिए ना, इमरजेंसी भी कोई हो सकती है। नहीं बिल्कुल ठीक है, सीमा मैडम है ना हमारी। हाँ उनके सुसर है, उनकी कॉल थी। अरे भाई अगर टॉप 10 फारिग लोगों का मुकाबला करा है ना, सेकंड नंबर पे ये कंफर्म आएंगे, मैं आपको बता दूं। हाँ क्या नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे तो फिर सीमा मैडम के पापा है ना, वो नंबर वन है। अच्छा ये बातें छोड़े, ये बताएं इसी बात पे मैं फिर 20,000 कार्टन कर दूं। अच्छा पूछ के बताते हैं। चले ठीक है, मैं सर मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। ओके बॉस, ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज़। यार ये शहरयार किधर गया, इतने दिनों से नजर भी नहीं आ रहा। मैं डीसी को फोन करता हूँ, इसको स्टैंड बाय करा दूं यार कि पहुंचा दे सामान। हाँ शहरयार, क्या क्या बीमार हो? अरे यार इतने दिन हो गए नजर भी नहीं आ रहे, तो बस तुम हमारा बीमारी के बहाने बनाते रहो। अच्छा कोई दूसरा बंदा भेज रहे हो तुम? ठीक है यार तुम ही आ जाते, देखो उनको सारी जगहों का पता नहीं होता ना। अच्छा भेज दिया, सही होशियार आदमी। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चल फिर चलो, कोई अपना ख्याल रख, अल्लाह हाफिज। पता नहीं दूसरा बंदा आ गया, वो भी इसी तरह का ढीला होगा। चलो खैर। सीमा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी दावत दी और इतना सारा वक्त दिया। अरे बाबा इसमें शुक्रिया की कैसी बात है बाबा, हमारे पास वक्त बहुत होता है, ये वाहिद चीज़ है जो हम किसी को भी दे देते हैं। वो बच्चों की आदत है मजाक करने की, तुम लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए ना बिला झिझक बता देना। सिस्टर मसला ये है कि परसों हम लोग को इस्लामाबाद वापस जाना है, अगर आप लोग हमारे साथ चल के शॉपिंग में हमारी मदद करते तो मेहरबानी होती। हाँ बाबा क्यों नहीं, मदद तो बिल्कुल हो जाएगी बाबा। बताओ कितने पैसे चाहिए, बताओ बाबा बताओ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई कमाल का है भाई। बच्चों बहने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा बाबा समझ गया समझ गया। बाबा तो क्या चाहिए, आप एक काम करो बाबा, एक लिस्ट बना दो, आपको जो चीजें चाहिए होंगी हम ला कर दे देंगे। अरे बच्चों भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें यहाँ की मार्केट और चीज़ों का कुछ खास पता नहीं है ना, तो आप लोग हमारे साथ चलें तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जी मैं तो ये कहूँगा अगर आपको भी कुछ चीज़ चाहिए हो तो हमें बताइएगा। हाँ बाबा मैं फालूदा खाऊंगा। आप वाकई बहुत मजाक किया भाई। हाँ सच्ची, चलें फिर। हाँ बाबा चलें चलें। हाँ चलो चलो आ चलो आ चलो। अरे बाबा बाबा इस मेहमानदारी में ना मैं तो खत्म हो जाऊंगा। बस बस बच्चू अब 2 घंटे मेरी दोस्त को शॉपिंग क्या करा दी, इस पे इतना वावेला। अच्छा बाबा ठीक है, इसका मतलब है आप बिल्कुल नहीं थकी है ना, तो बाबा जानी को जाकर बोल दें कि मेरे लिए एक प्याली कड़क चाय बना। जाकर बोलने की क्या जरूरत है, आवाज़ें क्यों बुला लेती हो? जानी जानी। अरे बाबा आवाज देने से ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थकी हुई हैं, मेरी तरह बिल्कुल आवाज ऐसे देते हैं। जानी अरे बाबा जानी। आया आया आया, क्या हो गया इतनी घबराहट वाली आवाज देने की वजह? बाबा घबराहट वाली आवाज नहीं है बाबा, ये थकन वाली आवाज है। बाबा जानी जल्दी से एक कप कड़क चाय बना दो मेरे। क्या मतलब एक कप क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? हाँ बाबा ये भी बिल्कुल नहीं थकी हुई इनके लिए, कुछ मत बनाना। अच्छा बच्चू मान लिया, मैं भी थक गई हूँ। तो फिर 2 प्याली कड़क चाय। एक काम करता हूँ 3 प्याली बना देता हूँ। बाबा 3 प्याली क्यों, वो एक अंदर भी तो है ना थकी हुई जरीना। बेचारा जानी ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। अरे बाबा वो क्यों थकी हुई है, वो तो घर से बाहर गई नहीं। ओफो बच्चू उसका मतलब है कि वो वैसे ही थकी हुई है। सर आप नहीं समझेंगे, कोई और तो नहीं आ रहा मजीद थकाने। अरे बाबा अब कोई भी आए ना तो उसको भगा देना, अब किसी की कोई मेहमानदारी का मेरा कोई मूड नहीं है, जो भी आए ना बाबा उसको पार से बाहर ही कर देना। अच्छा मैं कमरे में जा रहा हूँ बाबा, मेरी चाय कमरे में भिजवा दो। ठीक हाँ जानी, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, मेरे भी कमरे में भिजवा दो। क्या हो गया? लेकिन बाबा एक बात याद रखना, अब अगर कोई घर में आया ना बाबा तो तुम नौकरी से भी गया और घर से भी गया। बात करते हैं।
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे शहर में हर तरफ तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, ना कोई कायदा है ना कोई कानून है। बाबा शहर की आबादी भी तो देखो ना, हाँ अब हम घर आ गए, अब जो है ना वो कारोबारी बातें भी यहीं कर देंगे ना। अच्छा ये बताओ कि ये घर तुम्हारे जानने वाले का है? अरे बाबा ये मेरे बेटे का घर है, बल्कि यूं समझो कि मेरा अपना ही घर है। अरे बाबा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरा ऐसा रोब और दबदबा है। अच्छा रोब दबदबा, लेकिन दरवाजा तो कोई भी खोलने नहीं आया। अरे बाबा रुको तो सही यार, वो अभी उनको पता नहीं है ना कि मैं आया हूँ, वरना कांपते हुए आकर दरवाजा खोलते। चलो बुलाओ तो किसी को। इधर आओ, अरे हटो हटो घटिया नौकर, हटो, हमें रास्ते में आता है। आज दाखला ममनू है। अरे बाबा तुम होश में तो हो, जानी मैं मौला दादू, मौला दादे। अरे मौला दादू हैदराबाद हो, जिंदाबाद हो, पाइंदाबाद हो, बस जाओ यहाँ से। मैं फिर भी यही कहूँगा, बाहर 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 बाहर, चलो चलो चलो, चले चले चले। अरे चलो भाई, कहाँ से आ जाते? मैंने तुमसे पूछा भी था यार कि ये तुम्हारे जानने वालों का घर है, पर किसी के घर में इस तरह लेके तुम घुस गए यार। बाबा रुको तो सही, बाबा ये हमारा नौकर है, पागल हो गया है। अरे मेरे बेटे को पता चल गया तो क्या मत आ जाएगी, क्या मत, मैं तो उसको जिंदा गाड़ दूंगा। अरे भाई अच्छा ये बताओ करना क्या है? बाबा देखो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस नौकर जाने के खैर नहीं है। अच्छा डब डब तो करो। फिर कौन आ गया? अच्छा बाबा, अरे 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 हटो हटो हटो, अरे अरे भाई, अरे अरे क्या मजाक लगा रखा है इसने। अरे 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 चलो चलो चलो, अरे बच्चों, अरे कहो सब, तुम्हारी तो नौकरी गई बाबा, मेरे बेटे को बस आने दो। मेरी नौकरी तो वाकई गई। देखो अभी तो शुरुआत है, हाँ तुम देखते जाओ कि मेरी यहाँ पर कितनी इज्जत और कितना रोकताब है, हैं? बैठो बैठो। हाँ अच्छा आलम साहब, अब मुझे ये बताओ कोई चाय शाय ठंडा वंडा कोई खातर तवातर तुम्हारी हम करें? यार मौले, हाँ यार मुझे लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। हाँ ये बहू और तेरे बच्चों की तो बात दूर की है, मुझे लगता है उस नौकर के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। यार एक काम करते हैं, जो तेरा गांव है ना वहीं चलते हैं, यहाँ तो मेरा ख्याल है कोई नहीं रहता। बाबा तुम रुको तो सही ना। अरे बाबा बच्चों जरीना, अरे सीमा कहाँ हो भाई तुम लोग? अरे कोई कोई है? क्या हो गया? ओहो बाबा साहिब, भला क्या मसला हो गया, क्यों गला फाड़ फाड़ के चीखे मार रहे हो? ये मेरी बेटी है, छोटी है और लाडली है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अच्छा के बाबा तुम आ गई, तुमको पता है? अच्छा हुआ मैं आ गई, लेकिन आप आए ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा इन सब चीजों को छोड़, मेरी बात सुन, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अमेरिका से आया है। इतना पुराना है तो भला जाके किसी अजायब खाने में रखे के आ जाओ ना, ये पुरानी चीजों को भला क्यों ले आते हो? कैसी बातें कर रही हो जरीना, देखो ये मेहमान मेहमान होता है और ये मेरा खास मेहमान है। अरे बाबा मेहमान मेहमान होता है, खास या आम नहीं होता। अच्छा भला बताओ क्यों आवाज दी थी? अरे बाबा मेहमान आया है तो उसकी खातिर करो, इनसे मिलो। बस कर दे बाबा, जाने कितनी दफा बताएंगे बाबा, मालूम हो गया ये दुनिया का आखिरी मेहमान है, मैं इसे मिल पिली, ठीक है? अच्छा भला अंकल, ये मेरा मतलब है कि चाचा, ये बताओ कि आपका कोई बेटा शेटा है बाबा? कम उम्र हो, थोड़ी उम्र हो, ज्यादा उम्र हो, बाबा कोई भी चलेगा। जी जी नहीं जी, मेरा बेटा तो नहीं है कोई, अलबत्ता। बस अलबत्ता बाबा तुम अपने पास रखो, खुद भी निकलो और इनको अपने साथ लेके जाओ। मैं जब भी इनको गोठ में होते मैं फोन करती हूँ, ये ठीक तरीके से मेरे साथ बात भी नहीं करते, और इनको मेरी शादी की बाबा कोई परवाह भी नहीं है।
और खुद यहाँ पे मेहमान बन के आ जाते सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए। कोई ख्याल नहीं आपको मेरे काम करने के लिए लेके। बुरा मत मानना, ऐसे ये ड्रामा करती रहती है, ऐसे ही है। बात सुन, मेरा ख्याल है तेरे गांव चलते हैं। ये यहाँ तेरी बहू और बच्चे तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि इस वो जो नौकर है ना, उसके अलावा और यहाँ कोई नहीं रहता। ये लीजिए बच्चू भाई, ये चाय लीजिए। बच्चू भाई, अगर मैं रोजी की अम्मा पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? अरे बाबा, रोजी की अम्मा के पाँव में क्या हुआ है? अरे बच्चू आप तो चुप करें। हाँ बोलो जानी। वो कोई आया है। अरे बाबा जानी, मैंने तुमको मना किया था ना, तुम्हारी नौकरी गई बाबा। कसम ले लें, मैंने तो धक्के मार मार के निकालने की कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या बाबा, धक्के मारते गोली मार देते बाबा, लेकिन अंदर कैसे आने दिया तुमने? अरे बच्चू एक सेकंड, जानी आया कौन है? मौलादाद साहब। अरे बाबा, तुमने मेरे बाबा जानी को धक्के मारे हैं। देखा, उल्टा पर्चा मेरे पे काट रहे हैं। अब देख ले बच्चू, आप किसके पापा और किसके बाबा यहाँ आते रहते हैं। माने ना माने, ये इसको आपका नहीं अपना घर समझते हैं। तुम जाओ जानी, वैसे भी ना बच्चू बाबा की गोद से निकलना पसंद ही नहीं करते। खैर जो भी है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप आके मिल लें। और हाँ, साथ में उनके साथ कोई है भी। वाह वाह वाह, देख लिया बच्चू आपने, खुद तो आए आए साथ मेहमानों को भी लेकर आ जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ये इसे ना वाकई अपने घर समझते हैं। खैर जा रही मैं फ्रेश होने के लिए। अरे बाबा मजीद कितना फ्रेश होना है, बस होंगी और फ्रेश होंगी, मेहमान आए घर पे। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आप आराम से बैठो, इधर कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। अरे बाबा जानी बात सुनो, ये चाय पानी तो पिलाओ हम लोगों को। अच्छा ठीक है। डरा हुआ है, डर रहा है, सहमा हुआ घूम रहा है सारा। अभी तो इसको अच्छे तरीके से पता है कि मेरा बेटा आएगा तो उसकी क्या हालत होगी। जी जी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। बाबा जानी खैर तो है, आप बाबा फिर आ गए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है बाबा, 3 दिन के बाद आया हूँ मैं। अरे बाबा जानी, आप वापस जाते क्यों हैं? जब वापस आना होता है यही रह जाए हमेशा के लिए। देखा मेरा बेटा कितनी मोहब्बत करता है मेरे से। नहीं बाबा जानी, ये आप इतने बड़े तो हो गए कि आपको पता चले कि मोहब्बत और तंज में क्या फर्क होता है। ये भी शहर आके बहुत मजा किया हो गया है, पहले बहुत सीधा साधा था बाबा ये। तो आपके कहने का मतलब ये कि इसे मैंने तेज किया है ना? अरे बाबा ये तो अच्छी बात है ना, भोले भाले आदमी से तो दुनिया पता नहीं कैसे कैसे काम लेती है। बाबा जानी बस भी करें बाबा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ बाबा। जब मैं गांव में वो भैंसों को 1 घंटे के लिए छोड़ के जाता था तो आप मुझ पर गुस्सा करते थे बाबा, अब आप भैंसों को अकेला छोड़कर 2-2 दिन यहीं पड़े रहते हैं। अरे बच्चू बाबा, ये तू कैसी जबान इस्तेमाल कर रहा है। पर अभी तो आपने कहा था कि तेज होना अच्छी बात है। अरे बाबा ये तो कहकर मैं फंस गया हूँ। अच्छा तुम्हें पता है कि जानी ने मेरे साथ क्या किया था? बल्कि मैं भी बुलाता हूँ उसको, तुम्हारे सामने बात कराता हूँ। अरे जानी, ओ जानी। जी 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 जी, बोलो। इसे पूछो इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने धक्के देकर मुझे बाहर निकालने की कोशिश की थी। अरे इन्होंने तो कहा था घर में किसी को घुसने ना देना, तो मैं ठहरा नौकर आदमी, मैंने हुकुम की तामील कर दी। अरे जानी बाबा, मैंने बाबा जानी के साथ ऐसा करने को थोड़ी कहा था। अब खैर जो हुआ सो हुआ बाबा। अच्छा बाबा जानी, अब ये बताएं कि आप वापस कब जाएंगे? वाह भाई वाह, मेरे कहने पर ना तो तुमने जानी को कोई सजा दी, ऊपर मुझसे पूछ रहा है कि कब जा रहे हो। तो बाबा जानी अब घर तो जाना ही है ना, रात तक यहीं तो पड़े नहीं रहेंगे। अच्छा जानी बाबा, एक काम करो, बाबा जानी को पानी वानी का पूछो बाबा, और इनको भी चाय पिला ही दो। अच्छा बाबा जानी हम चलते हैं, हमें एक जरूरी काम है। आपको कोई भी काम हो ना तो जानी को आवाज दे देना। ये भी बहन की तरह बहुत मजाक करता है। जी कोई भी काम हो बस आपने मुझे आवाज देनी है, मैं अपना काम निपटा के फौरन आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, जाओ। बाबा आलम, तुम तो जानते हो कि अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है,
इतनी मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं। हमने वैसे उस अपने घर में जो है ना यारों दोस्तों वाला बना के रखा है, वरना यहाँ मेरा बहुत रोब और दबदबा है, पर लेकिन वो दिखाए वाला मैं नहीं करता काम। वैसे खैर ये बताओ मौलादात के काम की बात कर लें। बाबा काम की बात जो है ना वो तो मैं अपने बेटे के सामने करना चाहता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा थका आ रहा आया है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा तुम आराम कर लो। यार मौलादात मैं दोनों कामों के लिए बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि आगे खानदान और जायदाद के बड़े मसले मसाइल हैं। अरे बाबा जानी वो देखो दरवाजे पे बाबा कौन है। बाबा ये जानी जो है ना मेरी बहू का खानदानी नौकर है, तो थोड़ा सा सर चढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत सारा। जानी ओ जानी, बाबा वो मेरे पांडे वाले से खाना मंगा था, लेकर आया कि नहीं? वो खाना मैं ले आया हूँ बेटा, तुम्हें मेरे मेहमान का कितना ख्याल है, एक मेरा बेटा है वो बस। क्या कहा? अरे बाबा ये रहा ना खाना, वो जानी को बोलो कि बर्तन में डाइनिंग टेबल पे रखे तो मिलके सब बैठ के खाते है ना। क्या हो गया बाबा साईं आपको, आप क्या गोठ से भूखे आए हो? ये मैंने खाना अपने लिए मंगाया है। अरे बाबा जरी ना थोड़ा ख्याल कर, ये मेरा दोस्त जो है वो अमेरिका से मेहमान आया है। अमेरिका से ये बुढ़ा भूखा है क्या भला? अब हमारे घर में आके भला हमारा ही खाना खाएगा, वो भी मेरे हिस्से का? ये तुम्हारा दोस्त खुद ही इसी के लिए मंगाओ, भूखा बिड़साना हो तो। मेरा ख्याल है हम दोनों की कोई बात और कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी बेटी और बेटा दोनों इस काबिल नहीं हैं कि वो बात कर सकें। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आलम बाबा, असल में मैं कोई जोर जबरदस्ती करना चाहता नहीं हूँ, वरना मेरा तो रोब दब। अच्छी तरह देख लिया तुम्हारा रोब दबदबा, बास और इज्जत भी अच्छी तरह देख ली है। बस भाई जो मेरे पास मेरी थोड़ी बहुत बची है ना वो तो मुझे वापस ले जाने दो यार। नहीं भाई अल्लाह हाफिज भाई। अरे अल्लाह हाफिज। आलम भाई देखो आपकी मर्जी है, वैसे थोड़ी देर अगर तुम रुक जाते तो मैं आपको बता देता कि मैं के भाई ये तुम्हारे बच्चे हम दोनों को कैसे इस घर से निकालते धक्के देके। अरे भाई नहीं भाई नहीं अल्लाह हाफिज। आलम भाई आलम भाई नहीं भाई कुछ नहीं भाई। अरे बाबा बच्चो, अरे बच्चो बाबा इधर आओ मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा जानी आप जा रहे हैं तो मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ा हूँ। अरे बाबा छोड़ो, इतनी मेहरबानी ना करो कि तेरा मैं कर्ज उतार ना सकूं। अरे नहीं बाबा सही, ये तो मेरा फर्ज है ना। बाबा जानी मेरे को पता चला है कि जानी बता रहा था कि आप लोगों कहीं घूमने के लिए जा रहे, बाबा मैं भी आपके साथ चलूं? अरे नहीं बाबा साईं तो गाँव जा रहे हैं बाबा, अल्लाह हाफिज कर दे और खामोशी से हमारे साथ गाड़ी में बैठे जाना। अच्छा भला वो बुड्ढा कहाँ गया? चला गया मायूस होकर तुम लोगों की हरकतों से। लेकिन बाबा साईं हमारा उससे क्या काम था? अरे बाबा वो मेरा दोस्त था, अमेरिका में उसका बड़ा बिजनेस था, हमारे साथ मिलकर कारोबार करना चाहता था। क्या? तो बाबा साई आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? बाबा साई आप भी ना। बाबा वैसे भी कुछ नहीं हो सकता था, उसके आधे कारोबार का मालिक उसका भतीजा था जिसके लिए वो पाकिस्तान से किसी लड़की के साथ उसकी शादी कराना चाहता था, उसके बाद वो दूध का कारोबार करता। नहीं बाबा सही अब तो नहीं हो सकता ना, मैं तो शादीशुदा हूँ। अरे बाबा मैं जरीना की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो आया था ना। बाबा सही वो बुड्ढा मेरा मतलब कि वो अंकल साहब किधर है? बाबा वो अभी अभी चला गया तुम लोगों पर लानत भेजकर। अरे बाबा फिर तो यही करीब में होगा बाबा, पकड़ो। अच्छा आपको हलवा पूरी बाबा पसंद है? अरे बाबा है नहीं, पसंद थी बाबा, अब मैं जो खाऊंगा बाबा। क्या खाऊंगा? इम्पोर्टेड खाना। अच्छा बाबा क्या मंगवाया है? वो जो अमीर लोग खाना खाते हैं ना, जो बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्टेड खाना। ट्विंकल ट्विंकल वेरी फार, यू आर माय मून, आई एम योर स्टार। ओह माय मोलू, यू आर सो फनी। जानी भाई क्या बच्चू भाई दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं तो क्या हुआ? सुबह से बड़े दूल्हा बने हुए फिर रहे हैं। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है? अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा।